बैदमातपुर में भूमि बचाओ संघर्ष समिति के दर्जनों कार्यकर्ता क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल प्रबंधक पर कार्यवाही की मांग को लेकर क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आगरा के एतमादपुर में भूमि बचाओ संघर्ष समिति के दर्जनों कार्यकर्ता क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल करीब 15 दिन पहले भूमि बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक मनोज शर्मा ने थाना एतमादपुर में थाना क्षेत्र के एक स्कूल प्रबंधक के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन उसमें 15 दिन बीत जाने के बाद भी थाना एतमादपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द से जल्द मामले की जांच कराकर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। मनोज शर्मा का कहना था कि इस मामले में कई निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, जिनकी निष्पक्ष जल्द से जल्द जांच कराई जाए और पुलिस अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो वे उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एतमादपुर विधान सभा के दो रहने वाले, बेसिकली एक मुद्दा है जो अखबारों में चला था और हम लोग लगातार पिछली बार थाना अध्यक्ष मिले थे, उस समय हमारे लोगों ने घोषणा की थी कि हम अपनी बात को रखने के लिए यदि हमारी जो हमने तहरीर दी है उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम सच में अधिकारियों के पास जाएंगे। कल हमने सीओ साहब को व्यक्तिगत फ़ोन भी किया था, उनको मैसेज भी दिया था और अपने माध्यम से उनसे सूचना पहुँचे। उनको बहुत सारे काम रहते हैं, उनके हो सकता है बिजी कहीं रहे हों, क्योंकि हो सकता है इससे ज़रूरी भी काम उनके पास रहा हो। लेकिन आज जब 15 दिन बाद हमें कोई न्याय नहीं मिला है तो हम अपनी बात को रखने क्षेत्र अधिकारी एतमादपुर के पास आए। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो प्रार्थना पत्र दिया है इस पूरे उसमें जो निर्दोष लोग हैं वो सब निकाले जाने चाहिए और जो भी दोषी है, क्योंकि समाज किसी व्यक्ति को कानून से बढ़कर कोई हो, इसलिए हम आग्रह करते हैं सीओ साहब से कि वो हमारी तहरीर पे अमल करें और यदि सीओ साहब हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम 15 दिन बाद इनसे बड़े अधिकारी के पास जाके अपनी बात रखेंगे। जब तक इसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है पीड़ितों को, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे।